जलपरियां आज भी दुनिया के लिए एक रहस्य है, एक ऐसी गुत्थी जो बीते हुए समय के साथ केवल उलझी है, लेकिन इसके सुलझने को लेकर लोगों के मन में उत्सुकता हमेशा से रही। दादी नानी से जलपरियों की कई कहानियां हम सभी ने अपने बचपन में सुनी हैं, लेकिन आश्चर्य का स्तर उस वक्त बढ़ा जब लोगों ने जलपरियों को देखने का दावा करना शुरू किया और इससे जुड़ी कई तस्वीरें, कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। हालांकि इनके होने का कोई सबूत नहीं मिला। इसी वजह से आज तक जलपरी के अस्तित्व के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। हालांकि एक और हैरत में डाल देने वाली जानकारी आपको दे दे, इन जलपरियों का जिक्र आज से नहीं बल्कि इनसे जुड़ी कई कहानियां, कई मान्यताएं हमारे पौराणिक ग्रंथों में दिखाई पड़ती हैं, जिसकी वजह से इनके होने के दावों को झूठा नहीं ठहराया जा सकता। आज इस खास रिपोर्ट के जरिए हम आपको इन्हीं जलपरियों से जुड़ी कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। जलपरियां आखिर दिखती कैसी हैं? जलपरियों का शरीर कैसा होता है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल जलपरी पानी में रहने वाला एक ऐसा जीव है जिसके शरीर का ऊपरी हिस्सा औरत का है और निचला भाग मछली जैसा होता है, जिसके बारे में प्रचलित कुछ दंत कथाओं से जो इनके वजूद की पुष्टि करती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जलपरियां सुरीली धुन में गाना गाकर इंसानों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं और जलपरियों का ये गाना सुनकर मनुष्य का ध्यान भटक जाता है। उनकी मधुर ध्वनि को सुनकर मनुष्य समुद्री जहाज से पानी में कूद जाया करते थे, ऐसा कथाओं में लिखा गया है। इतना ही नहीं, कहा तो ये भी जाता है, लिखा तो ये भी गया है कि कई बार पूरा पूरा जहाज समुद्र में समा जाया करता था। कुछ ऐसी कहानियां भी प्रचलित हैं जिसमें जलपरी डूबते हुए इंसानों की मदद करने के प्रयास में उनकी जान ले लेती थी, क्योंकि वह ऐसा प्रयास करने के दौरान भूल जाती थी कि मनुष्य पानी के अंदर सांस लेने में असमर्थ होते हैं। बता दें आपको, जलपरियों की अच्छाई और जलपरियों की बुराई दोनों का वर्णन ग्रंथों में किया गया है। कुछ लोग जलपरियों को डूबते हुए इंसान का मदद करने के लिए अच्छा बताते हैं, तो वहीं कई लोग जलपरियों को लेकर कहते हैं कि वो इंसान को जिंदा निकल जाया करती थी। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।